प्रेगनेंसी में डिप्रेशन के लक्षण नॉर्मल इंसान से थोड़े से अलग हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन का असर महिलाओं के फ्यूचर पर भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होने से बच्चे पर क्या असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं में कई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे डिप्रेशन का पता चल सकता है। डिप्रेशन की वजह से आपकी प्रेगनेंसी पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये डिप्रेशन कई तरीकों से प्रेगनेंसी पर बुरा असर डालता है। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की वजह से अबॉर्शन तक हो सकता है। डिप्रेशन कई महिलाओं में डिलीवरी के बाद तक भी रह सकता है। ये महिलाओं के शरीर पर कई तरह से असर डालता है, जैसे कि बच्चे की देखभाल करने में बिल्कुल कैपेबल ना हो पाना, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा तनाव करना, कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करना, हमेशा उदास और सैड रहना। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की वजह से प्रेग्नेंट महिलाएं खुद पर भी कंट्रोल नहीं रख पाती हैं। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होने पर महिलाएं मन से उदास रहती हैं, वो हमेशा अकेला रहना पसंद करती हैं और किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं करती हैं। इस सिचुएशन में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा दुखी, उदास और शांत रहती हैं। इस लक्षण से पता लगाया जा सकता है कि प्रेग्नेंट महिला डिप्रेशन में है। कभी कभी आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कम या ज़्यादा भोजन करने लग जाती हैं, जिससे प्रेगनेंसी में महिलाओं को तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है। लेकिन जो महिलाएं प्रेगनेंसी के समय डिप्रेशन में होती हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम खाना खाती हैं। इससे भी आपको पता लग सकता है कि प्रेग्नेंट महिला डिप्रेशन में है। इस सिचुएशन में वो नॉर्मल से ज़्यादा या फिर कम ही खाना खाती हैं। वहीं थकान और कमजोरी महसूस होना डिप्रेशन में होने का ही एक कारण हो सकता है। एक तरफ अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में महिलाओं को थकान या फिर कमजोरी होना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन ये डिप्रेशन का भी लक्षण हो सकता है। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होने पर महिलाएं बहुत ज़्यादा थकी हुई और बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगती हैं। वो थोड़ा सा काम करके भी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, उन्हें कमजोरी फील होने लगती है। कभी कभी प्रेगनेंट महिलाओं का बहुत ज़्यादा सोना या नींद ना आने की समस्या होना भी उनमें डिप्रेशन का ही एक संकेत माना जाता है। कोई भी इंसान 9 से 10 घंटे की नींद ले सकता है, इससे ज़्यादा नींद लेना नॉर्मल नहीं होता। प्रेगनेंसी में ये सिचुएशन डिप्रेशन की हो सकती है। वहीं अगर प्रेगनेंसी में आपको नींद ना आने की समस्या हो रही है तो ये भी डिप्रेशन का ही एक लक्षण हो सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये बात करते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी में डिप्रेशन से पेट में पल रहे बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होने से होने वाले बच्चे पर कई तरीके से बुरा असर पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं में डिप्रेशन की वजह से प्रीमैच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले बच्चे का जन्म भी हो सकता है, और डिप्रेशन की वजह से लो बर्थ वेट यानी कम वजन के साथ भी बच्चा जन्म ले सकता है। इतना ही नहीं, अगर प्रेगनेंसी में डिप्रेशन का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो ये सिचुएशन आपके बच्चे पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। ये सिचुएशन माँ और बच्चे के बीच इमोशनली अटैचमेंट पर भी असर डालती है। माँ का यह डिप्रेशन बच्चे पर बड़ी उम्र तक गंदा असर डाल सकता है। इसका असर बच्चे की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही पड़ सकता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और डिप्रेशन में हैं तो आपको इसके लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और समय रहते डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में आपको और आपके बच्चे को दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसके लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और ज़रूरी एडवाइस लें। साथ ही परिवार के लोगों को भी प्रेगनेंसी में महिलाओं को पूरा साथ देना चाहिए और हर सिचुएशन में उनके साथ रहना चाहिए। इससे वे अपनी सारी समस्याएं, सुख दुख आपके साथ शेयर कर सकती हैं और डिप्रेशन जैसे मेंटल प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।